नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी स्क्रीनशॉट आए हैं उसी का मैं डाटा कलेक्ट करके बता रहा हूं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म हो चुका है। दोस्तों लास्ट डेट 12 अप्रैल 2019 तक की था। दोस्तों आज 13 अप्रैल हो चुका है, अभी तक मैं कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं उसका 100% सही डाटा बताने वाला हूं। दोस्तों आप इस वीडियो में आप पता लगा सकते हैं दोस्तों कि आप किस जोन में फॉर्म भरे हैं, आप सेफ जोन में भरे हैं या डेंजर जोन में भरे हैं या नॉर्मल जोन में भरे हैं। दोस्तों इसी के तौर पे आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों वैकेंसी पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, किस आरआरबी किस आरआरसी में कितने वैकेंसी उस पर डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं, किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं। इसलिए यूट्यूब में इतने सारे वीडियो बनते हैं और इतने सारे लोग देखते हैं कि कितने फॉर्म डेली अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी 100% श्योर डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थन रेलवे दिल्ली, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थन रेलवे दिल्ली में 19,03,865 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे वैकेंसी 10,873 है और एक सीट पर 144 कैंडिडेट यहाँ लगभग टोटल फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही डाटा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर 400-500 आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड में देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 16 आरआरसी के बताने वाला हूँ। यहाँ पे 11,65,211 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 9,348 फॉर्म है, 9,348 वैकेंसी है। यहाँ पे 107 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, पर सीट कंपटीशन भी बता रहा हूँ। यहाँ पे तीसरे नंबर पर देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पे 9,67,399 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पे 9,529 वैकेंसी है और 97 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं साउथर्न रेलवे चेन्नई, यहाँ पे 9,01,260 फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पे एक सीट पे 97 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9,529 है। और पाँचवें नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों 9,91,046 फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी दोस्तों 9,328 है और एक सीट पे कंपटीशन 92 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आगे देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यहाँ पे 6,70,486 फॉर्म भरे जा चुके हैं, टोटल वैकेंसी 7,164 है और एक सीट पे 93 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं आठवें नंबर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहाँ पर देख सकते हैं 9,61,121 फॉर्म भरे जा चुके हैं, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5,749 है और एक सीट पे 183 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में आपको नॉर्मल जोन सेफ जोन और डेंजर जोन के भी बारे में बताऊंगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। यहाँ पर 9 नंबर में देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर लगभग टोटल 4,94,277 फॉर्म भरे जा चुके हैं, वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 4,914 है और एक सीट पे 100 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। दसवें नंबर पे आप देख सकते हैं नॉर्थन सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, यहाँ पे देख सकते हैं 9,11,082 फॉर्म भरे जा चुके हैं, 4,730 वैकेंसी हैं और 192 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं 11वें नंबर पर, यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहाँ पे 6,20,825 फॉर्म भरे जा चुके हैं, यहाँ पे 4,002 वैकेंसी है और एक सीट पे 155 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यहाँ पे 5,28,589 फॉर्म भरे जा चुके हैं, 4,019 वैकेंसी हैं और यहाँ पे एक सीट पे 131 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और आगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, 5,73,340 फॉर्म भरे जा चुके हैं, टोटल वैकेंसी 3,513 है और एक सीट पे 161 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, यहाँ पे 3,52,819 फॉर्म भरे जा चुके हैं, यहाँ पे 2,894 वैकेंसी है और 122 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे 3,18,253 फॉर्म भरे जा चुके हैं, टोटल वैकेंसी 2,555 है और एक सीट पे 124 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पे देख सकते हैं 2,83,221 फॉर्म भरे जा चुके हैं, टोटल वैकेंसी 1,600
64 है और एक सीट पे 170 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में। यहाँ पे टॉप 5 डेंजर जोन में पहले नंबर पे इलाहाबाद है, 192 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। सेकंड में देख सकते हैं जयपुर है, 183 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तीसरे नंबर में देख सकते हैं बिलासपुर, यहाँ पे 170 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। चौथे नंबर पे देख सकते हैं हाजीपुर, यहाँ पे एक सीट पे 161 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब पाँचवें नंबर पे गोरखपुर देख सकते हैं, एक सीट पे 155 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं टॉप 5 नॉर्मल जोन, यहाँ पे पहले नंबर पे सिकंदराबाद है, यहाँ पे 101 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। दूसरे नंबर में कोलकाता ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, 107 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे गुवाहाटी है, गुवाहाटी में 122 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। भुवनेश्वर में 124 कैंडिडेट और जबलपुर में लगभग 131 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों सेफ जोन के बारे में, टॉप 5 सेफ जोन कि आप सेफ जोन में है या नहीं। आप देख सकते हैं टॉप 5 सेफ जोन, अगर इस जोन से भरे हैं तो दोस्तों आपको कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई 92 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में 93 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और चेन्नई में 94 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई में 97 लोग फाइट कर रहे हैं। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता में साउथ ईस्टर्न रेलवे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 100 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और रांची आता है, इसमें 100 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी समय बेकार मत कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी समय बेकार मत कीजिए, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी में फेल हो चुके हैं पिछले बार, वो यहाँ पे नया वैकेंसी आया है उसमें अब अप्लाई किए हैं, तो आप उस वैकेंसी को अचीव करने के लिए जी जान लगा दीजिए। क्योंकि कट ऑफ सब में हाई जाने वाला, 70+ ही जाने वाला है दोस्तों। अगर आपको किसी भी हाल में वैकेंसी अचीव करना है तो 90 का टारगेट करके चलिए, तभी आपका 70-80+ आएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।